एक बार दूर देश में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था। एक दिन जैसे ही व्यापारी बाजार के लिए रवाना हुआ, उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहेंगी। पहली बेटी ने एक जरी वाली पोशाक मांगी, दूसरी ने एक मोती का हार, लेकिन तीसरी, जिसका नाम सुंदरी था, जो सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी, उसने अपने पिता से कहा, मुझे अच्छा लगेगा पिताजी, अगर आप मेरे लिए विशेष रूप से एक गुलाब लेकर आएंगे। जब व्यापारी ने शहर में अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया, तो उसने घर के लिए शुरुआत की। अचानक तूफान आ गया और उसका घोड़ा आंधी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बहुत ठंड हो चुकी थी और व्यापारी को एक छत की तलाश थी। अचानक एक लकड़ी के बीच में एक प्रकाश चमकता हुआ दिखा। जैसे ही वह उसके पास गया, उसने देखा कि यह तो एक महल है जो रोशनी से भरा हुआ है। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वह खुला हुआ था। उसने पुकारा और कोई भी उसके पास नहीं आया। साहस जुटाकर वह अंदर गया। मुख्य हॉल में एक मेज पर पहले ही परोसा गया एक स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। वह भोजन करने बैठ गया। जिज्ञासा में उसने ऊपर की ओर कदम बढ़ाया, जहां कई सुंदर कमरे और एक बड़ा सा हॉल था। पहला कमरा उसे काफी नरम लग रहा था। अब देर भी हो चुकी थी और व्यापारी से रुका ना गया, जल्द ही सो गया। जब वह अगली सुबह उठा, तो उसने अपने बिस्तर के पास एक चाय का कप और कुछ फल रखे देखे। व्यापारी ने झट से नाश्ता किया और फिर हाथ मुंह धोकर अपने उस अनजान दोस्त को धन्यवाद कहने के लिए चला गया। लेकिन जैसा कि पिछली शाम को हुआ, घर में तो कोई भी नहीं था। फिर वह एक बगीचे की ओर चला गया, जहां उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया। अचानक उसने एक गुलाब की झाड़ी को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे याद आया कि उसने अपनी बेटी सुंदरी को क्या वादा किया था। वह एक गुलाब लेने चला गया। तुरंत बगीचे के बाहर से एक भयानक जानवर शानदार कपड़े पहने हुए प्रकट हो गया और गुस्से से तमतमा रहा था और फिर बोला, हे अनजान आदमी, मैंने तुम्हें छाया दी, तुमने मेरी मेज पर खाना खाया और फिर मेरे बिस्तर पे सो गए, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो मुझे वह पसंद नहीं, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। व्यापारी बहुत डर गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए, वह गुलाब मेरे लिए नहीं था, वह तो मेरी बेटी सुंदरी के लिए था। मैंने उसे वादा किया था कि लौटते वक्त उसके लिए एक गुलाब लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझे अपनी बेटी से मिलवाना पड़ेगा। वह व्यापारी डरा हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, कि अगर उसने वैसा नहीं किया तो वह उसे मार देगा। वह बेचारा उन आंसुओं के साथ अपने घर पहुंचा। उसकी तीनों बेटियां खुशी से उसकी ओर भागी। जब उन्होंने अपने पिता को देखा, वह हैरान थी। उनके पिता ने उन्हें सब बताया और यह भी बोला कि उस भयानक जानवर की क्या शर्त थी।
प्रिय पिताजी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप चिंता ना करें। आप अपना वादा निभाएंगे और मैं आपका जीवन बिल्कुल बचा सकती हूँ। आप मुझे उस महल में ले जाइए, मैं आपकी जगह वहीं रहूंगी। सुंदरी ने अपने पिताजी को हौसला दिलाया। बेटा सुंदरी, मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार पर संदेह नहीं किया। फिलहाल मैं केवल अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद कर सकता हूँ। फिर वह सुंदरी को महल में ले गया। उसने उस जानवर को अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा। वह बहुत डरी हुई तो थी कि उसे उस कयामत का सामना करना है, और प्रकाश के सामने ऊन बुन रही थी। वह घंटों तक बैठी रही और वह भयानक जानवर भी घंटों तक बैठे हुए उसे दूर से देखता रहा। फिर कुछ समय बाद उसने उससे बातचीत करनी शुरू की। शुरू में तो सुंदरी बहुत डर रही थी। दिन बीतते गए और सुंदरी और वो जानवर अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर अचानक एक दिन उस जानवर ने सुंदरी को अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा। सुंदरी तो आश्चर्य से भर चुकी थी। उसने सोचा कि वह उस बदसूरत राक्षस से कैसे शादी करेगी। लेकिन उसे उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी थी। आखिरकार वह उसके प्रति कितना दयालु था। और फिर उसे याद आया कि उसके पिताजी ने उनसे क्या वादा किया था। मैं वास्तव में हाँ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस जानवर ने उसे अचानक इशारे से रोका और फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उस जानवर ने सुंदरी के सामने जादू प्रकट किया। फिर जब सुंदरी ने उसमें झांका तो उसने अपने परिवार को देखा। अब तुम अकेला महसूस नहीं करोगी। एक दिन जानवर ने उसे जादू के आईने के पास रोते हुए पाया। क्या बात है? उसने पूछा, प्यार से हमेशा की तरह। मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनमें अब जान नहीं रही है। ओह, काश मैं उन्हें फिर से देख पाऊं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन जानवर ने केवल अपना सर हिलाया। नहीं, आप इस महल को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, उसने गुस्से से कहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा और उस लड़की से आराम से बात की। यदि तुम शपथ लेती हो कि तुम 7 दिनों के समय में यहाँ वापस लौटोगी, तो मैं तुम्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति दूंगा। सुंदरी खुशी से पागल हो गई। मैं वादा करती हूँ, तुम कितने दयालु हो, तुमने एक पिता की बेटी को कितना खुश कर दिया है। बेचारे उस व्यापारी का दिल टूट रहा था ये जानते हुए कि उसकी बेटी को कैदी की तरह रखा जा रहा है। जब व्यापारी ने अपनी सुंदर सुशील बेटी को गले लगाया तो वह जल्द ही ठीक होने लगा था। सुंदरी घंटों तक उनके पास रही, महल में अपने जीवन का वर्णन करते हुए। सुंदरी आखिर में खुश थी, मगर वह यह भूल रही थी कि 7 दिन बीत चुके हैं। फिर एक रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने सपना देखा कि वह जानवर मर रहा था और उसे बुला रहा था, और वह बहुत पीड़ित भी था। उसने जैसे वादा किया था, उसने तुरंत अपना घर छोड़ दिया। जल्दी करो, जल्दी करो, उसे पुकारते हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल पिघल रहा था। सुंदरी बगीचे की ओर भागी
और उसने देखा कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं, जैसे कि वो दम तोड़ रहा हो। सुंदरी उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। कृपया आंखें खोलिए, मैं तुमसे शादी करूंगी। इन शब्दों के साथ एक चमत्कार हो गया। वो जानवर का बदसूरत चेहरा जादुई रूप से एक सुंदर युवक के चेहरे में बदल गया। मैं इस पल के लिए तरस रहा था और अपने इस रहस्य को नहीं बता सकता था। एक बार एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे एक राक्षस में बदल दिया था, और केवल एक युवती का प्यार ही मुझे अपने वास्तविक रूप में वापस बदल सकता था। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। उनकी कुछ समय बाद शादी हुई और उस दिन से युवा राजकुमार के पास अपने बगीचों में सिर्फ गुलाब के फूल थे।